अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा आज के बाद मैं पूरी तरह आजाद। क्या मैं शुभ सर के साथ रह सकती हूँ? किस हक से बोल रही है तुम ये? एक बार शुभ सर से मिलने दीजिए, मैं उनको देख के चली जाऊंगी। यहाँ से जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चलो। ये फूफा जी शुभ सर के दूध में क्या मिला रहे? दूध ला, दूध ला, दूध ला उसके लिए। ला रही हूँ मैं दूध। अरे कान की बूंदे तो यही रखी थी। अजीब, सुनते हैं? वो यहाँ पे मेरे कान की बूंदे रखे थे, आपने देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखे। वैसे यहाँ झाड़ू लगाने वो नई घूंघट वाली नौकरानी आई थी, यहाँ और कोई नहीं आया उसके अलावा। हो सकती है। अच्छे से साफ करो, वो साइकिल जो है वो भी साफ करना। उठ, मेरे कान की बूंदे तेरे पास है तो दे दे अभी के अभी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है तो अभी के अभी दे दे। क्या बोल रही हो कनिका? अरे अम्मा जी, मेरे कान की बूंदे गायब है कमरे से, जरूर इसी ने लिए होंगे। वापस करो वरना मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। नहीं लिए हैं तो बोल दो नहीं लिए हैं। ठीक लड़की है, मुंह से आवाज नहीं निकलती क्या? पुलिस को बुलाऊंगी, तो चलो जल्दी करो। अरे अपना घूंघट हटाओ, चेहरा दिखाओ मुझे, घूंघट हटाओ, कुछ तो बोलो। ऐसे नहीं मानेंगी, ठीक है? लाओ जल्दी करो। जी जी, ये रहे आपके बोल। बता नहीं सकती थी, तब से चिल्लाए जा रही हूँ। बेवकूफ, तुम जाओ, जाके रसोई में काम संभाल। मुझे पता था मुझसे जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो शगुन पीछे हट गई। कहाँ? अम्मा जी, मैं बाहर कचरा फेंक के आती हूँ, जल्दी आना। आजा, जल्दी आओ। थैंक यू कि कोई बात नहीं है शगुन, दोस्ती के नाते इतनी हेल्प तो बनती है ना। अब तू जा, तो देख ले तो कर पड़ो सही। हाँ। चिंता मत कर, आराम से जाना। हाँ। तैयार हो जाइए फूफा जी, अब आपका ये खेल मैं आपके साथ ही खेलूंगी।
क्या कर रही हो तुम? खराब है तुम्हारा? किसने कहा तुम्हें मेरी चीजें छूने को? माफ कर दीजिए साहब जी, वो ना मट्टी बहुत लगी हुई थी, वही साफ कर रही थी मैं। जानती हो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये फ्रेम टूट सकता था। ये फ्रेम मेरे लिए कितना मायने रखता है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अगर ये फ्रेम टूट जाता ना तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल देता। हंस रही हो तो एक तो गलती करती हो, ऊपर से हंसती हो। ना साहब जी, माफ कर दीजिए। निकलो यहां से, अजीब लोग हैं। नफ़िया क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाँ नव्या, फोन क्यों किया? भाभी, जो बार बार आपके बारे में पूछ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कह दिया पार्लर गई है। हाँ ठीक किया तुमने, बहुत अच्छा किया, पर आप जल्दी आ जाइए वरना युग को शक हो जाएगा। हाँ नव्या, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम बस थोड़ा संभाल लो, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। हाँ और बात सुनो, अच्छा तो ये बात है शगुन, अब देखती जाओ कैसे मैं इस खेल को और मजेदार बनाता हूँ। देखो ये कंगन भी मिल गए। सब तैयारियां हो गई। नारियल कनिका, मेरी आदर्श को क्या हो गया है? मैं नारियल ले आई थी लेकिन वो नारियल कहाँ रख दिया मैंने, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो देखा था अम्मा जी, ये लो मिल गया नारियल। देखो है, भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं उम्र के साथ। अरे आप भी ना। अब मैं सब मेरा काम हो गया, मैं जाऊँ। कनिका, जो सामान तुम्हें कमरे से स्टोर रूम में रखवाना था वो मैंने बाहर निकाल दिया है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। हाँ देखती हूँ। रुको, वो जो सामान मेरे बेडरूम है वो स्टोर रूम में रखवाते हुए जाना, और ध्यान से, कीमती सामान है। जी मैडम जी। आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? जिसके लिए इतनी खूबसूरत हो वो मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? मैं वो शुभ को देख के आती हूँ। मैं अपना फोन लेके आता हूँ। पिछली बार दूल्हा वक्त पे नहीं पहुंचा, इस बार दुल्हन नहीं पहुंचेगी। अरे चलो चलो भाई, बहुत देर हो जाएगी, चलो निकलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। अरे शगुन का सारा सामान आगे भिजवा दिया? हाँ अम्मा जी, वो गाड़ी में रखवा दिए मैंने। हाँ ये सही किया। शुभ कहाँ है?
अरे शुभ, ये क्या, तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? हाँ लल्ला, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो खत्म करके आ रहा हूँ, आप लोग पहुँचो जल्दी, ठीक है? हाँ जल्दी कर, जल्दी आना बेटा। अरे मुझे ये बताओ, वो काम वाली चली गई काम खत्म करके? नहीं नहीं, मैंने देखा वो चली गई। हाँ तो चलो हम भी चलते हैं। हाँ, आओ चलो चलो बिल्लू, सारी चीजें बराबर रखवा दी है ना? हाँ, हाँ। यहाँ से एक एक चीज देख ली थी। हाँ, हाँ चलो ठीक है। इतना टाइम हो गया, पता नहीं नवी अयुब को कैसे संभाल रही होगी। दरवाजा क्यों निकल रहा? कौन कोई है? ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? शुभ सर वो लोग पहुंच गए होंगे वहां पे। दरवाजा खोलो प्लीज, कोई है? नव्या, हेलो नव्या, भाभी कहाँ है आप? अब तक आई क्यों नहीं? नवे मैं अपने स्टोर में फंस गई हूँ। हेलो हेलो नवे, फोन को भी अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूँ? मैं घर कैसे जाऊंगी? सब चले गए हैं, अब मैं क्या करूंगी? नव्या, नव्या ताई कहाँ है? पार्लर से अभी तक नहीं आई। हाँ बस यार, फाइन फाइन। हाँ युग, क्या नाम है उस पार्लर का, मैं देख के आता हूँ, बताओ। युग, जरूरत ही नहीं है, भाभी तो आ गई है ना? आ गई है, मैं तो घर पे था, मैं तो देखा नहीं ना, डोरबेल से। चाबी है उनके पास, वो वॉशरूम में साड़ी पहन रही है, बस रेडी हो रही, फटाफट बाहर आ जाएंगे। यो वो वॉशरूम में रेडी हो रही, टाइम लगता है, बस आ रही है बाहर। लगता है वो लोग आ गए, मैं देख के रहा हूं। मैं भी चलती हूं। नहीं नहीं, तुम ताई की मदद करने की जरूरत होगी तुम्हें। ओके, कहाँ रह गई आप? अब मैं क्या करूं? शुभ सर, अगर मुझसे पहले घर पहुंच गए, अगर मैं वहां नहीं हुई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। शगुन तैयार है? हाँ। ये लोग तो आप ही गए। बस आ रही है, मैं देखता हूँ। हाँ नमस्ते। नमस्ते युग बेटा, आइए ना अंदर, आइए। नमस्ते। नमस्ते युग बेटा, शगुन कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? ताई बस आ ही रही है, वो दरअसल आप लोगों के लिए कुछ खास बना रही है, आइए ना, बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं ताई को देख के आता। युग, ये लोग कौन है?
शकुन के लिए तो शुभ आने वाला था ना। काकू जिंदगी बार बार रिश्ते निभाने के मौके नहीं देती, और जिसे रिश्ते निभाने की अहमियत पता होती है ना, वो सिर्फ जताते नहीं है, उसे निभाते भी है। जो जीजाजी कभी कर ही नहीं पाए तो फिर हम उनका वेट क्यों करें, आप ही बताइए। मैं आता हूं। नव्या ताई का है अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई क्या? वो क्या कर रही हो? जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूँ या हमेशा की तरह झूठ बोल रही हो मुझसे? नहीं, मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। यो ताई, नव्या झूठ नहीं बोल रही है। तेरा इंतजार कर रहा था ताई, सब लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा। तो क्या हो गया? शुभसा की तो फैमिली है, पर आए तो उन्हें जो बातें बनाएंगे। भाभी ताई कहाँ रह गई? नव्या, नव्या कहाँ रह गई थी? अरे लाओ इधर, आप लोग खाइए, ताई अभी आ रही है, लीजिए ना प्लीज। ताई कहाँ है? ताई को बुलाओ। ताई, ताई, ताई। हाँ मैं आ गई। मुलगी तो बहुत सुंदर है, खूब जोड़ी चचेगी दोनों की। माँ मुझे भी लड़की बहुत पसंद है। चाय लीजिए ना। युक, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? ताई ये लोग तेरे शादी का रिश्ता लेके आए, बहुत अच्छे लोग हैं। रिश्ता? युक ये तो क्या बोल रहा है, मेरा रिश्ता तो ऑलरेडी हो चुका है ना। ताई मेरा यकीन कर, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तू बहुत खुश रहेगी इनके यहाँ। युक, रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जाते, ये सब मत कर तू। ताई मेरी बात तो सुन। देखिए मैं आप सबसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मेरा रिश्ता ऑलरेडी हो चुका है। बैठिए। देखिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग चले जाइए। ए लड़की, इतनी अकड़ ठीक नहीं, तुम्हारी औकात क्या है? क्या बोल रही है? वो बात नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैं? योग, शुभ सर, मैंने तो शगुन को स्टोर रूम में बंद किया था, तो फिर ये शगुन की बच्ची यहाँ कैसे पहुंच गई? लो आ गया तुम्हारा आशिक। चलिए तो मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम इतना नीचे गिर गए कि अपनी बहन की इज्जत को भी दांव पे लगा दिया। अब उसे भी बेइज्जत करने पे तुले हो तुम? इज्जत और बेइज्जती की तरफदारियां आपके मुंह पर शोभा नहीं देती, और जिस रिश्ते में केवल जिल्लत ही मिली हो ना, उसमें रहने का कोई भी फायदा नहीं है। युग, माँ जी नमस्ते। कनिका जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आइए ना, बैठिए ना, बैठ के बात कर प्लीज। काकी क्या कर रहे हैं आप? युग तू चुप। देखिए बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आराम से बात करते हैं। आइए बैठिए। राधा जी, भरोसा, रिश्ता और इज्जत ऐसे परिंदे होते हैं जो एक बार उड़ गए ना वो वापस नहीं लौट के आते। हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जहाँ ये सब मौजूद ही ना हो। कनिका ठीक कह रही है, युग तुम इस तरह हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। अरे हमारा लल्ला तो आपकी बेटी को बहुरिया बना के अपने घर ले जाना चाहता था,
लेकिन आपने इस तरह ये लड़के को बुलाकर इसके, और ये आप लोगों को शोभा नहीं देता, ये हमारे खानदान की गरिमा के खिलाफ है। माँ जी, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे, हमारे बच्चे से गलती हो गई है, लेकिन आप लोग यकीन मानिए इसके बारे में शगुन को कुछ भी पता नहीं था। दादी, बुआ, काकी सही कह रही है, अभी तो भैया का इंतजार कर रही थी। अगर शुभ और शगुन एक दूसरे के साथ रहने को तैयार है तो फिर बाकी चीजें उलझाकर उनकी जिंदगी और क्यों उलझानी है। हम ये रिश्ता यही खत्म करते हैं। चलो शुभ। शुभ बुआ।